मानपुर से लगे कांकेर के कोडेकुरसे से लापता सहायक आरक्षक मनोज नेताम की हत्या कर देने का दावा नक्सलियों ने किया है। इसे लेकर नक्सल संगठन के स्थानीय लीडर ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें मुखबिरी और अवैध वसूली के नाम पर जवान की हत्या करने का दावा किया है। इधर भानुप्रतापपुर SDOP अमोलक सिंह दिल्लो ने कहा, नक्सलियों द्वारा सहायक आरक्षक मनोज नेताम की हत्या किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस पड़ताल कर रही है, जवान की खोजबीन जारी है। कोंडेकुरसे में पदस्थ सहायक आरक्षक मनोज नेताम 28 अप्रैल को लापता हो गया था। इसके दो काम दिन बाद उसकी बाइक गांव से कुछ दूरी पर मिली थी, जिसकी तलाश में मानपुर और कोंडेकुरसे पुलिस की टीम लगी हुई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी पुलिस को जवान के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसी बीच शुक्रवार को नक्सल संगठन की ओर एक पत्र जारी किया गया, जिसमें RKV डिवीजन प्रवक्ता विकास ने बयान जारी कर सहायक आरक्षक मनोज नेताम के हत्या करने की जिम्मेदारी ली है। जारी बयान में कहा गया है, मनोज नेताम पुलिस में भर्ती होने के पहले गोपनीय सैनिक के पुलिस मुखबिर के रूप में काम करते पुलिस में भर्ती हो गया था। नक्सल संगठन की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस में भी होने के बाद मनोज नेताम डरा धमका कर पैसा वसूली कर रहा था। उल्लेखनीय है कि नक्सल संगठन क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के ये लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी अलर्ट हो गई है और पूरी मुश्तैदी से इनकी रणनीति को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। नक्सली बंद आह्वान को लेकर एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन से चर्चा, राजनांदगांव से संजय कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 तारीख को नक्सलियों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और आज जनपिथुरी सप्ताह का पहला दिवस भी शुरू हो रहा है, जिस पर से राजनांदगांव पुलिस के द्वारा सर्चिंग गश्त को बढ़ा दिया गया है। पर्ची में नक्सलियों के मारे जाने पर नक्सलियों द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया है। पर्चे पर से यह जानकारी प्राप्त हुई कि आज बंद का आह्वान किया गया, जिस पर से पुलिस अलर्ट है। आपको इस वीडियो में कुछ अपना सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो क्लिपर 28 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।